नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्याम गिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। हम चर्चा करेंगे उद्धव जी के खासम खास मिलिंद नार्वेकर जी के बारे में। जी हां, उन्होंने जो है तिरुपति बालाजी के काफ़ी करीबी हैं और वो मुंबई में जो है तिरुपति बालाजी का नया मंदिर स्थापना करने जा रहे हैं, बनाने जा रहे हैं। इसी पर चर्चा करेंगे हमारे सहयोगी अनिल थत्ते जी से। थत्ते जी, जो ये खबर है, क्या है ये तिरुपति बालाजी जो है यहाँ पर आ रहे हैं मुंबई में? जी। पहली बात तो ये है कि मिलिंद नार्वेकर जो तिरुपति बालाजी जो संस्थान है जी, उसके विश्वस्त हैं। सर, ये तिरुपति बालाजी मंदिर के बारे में ये आप जान लो कि उनका विश्वस्त होना, ट्रस्टी होना कोई साधी बात नहीं है जी। ये बहुत बड़ा सम्मान है, बहुत ही बड़ा सम्मान है। सर, मैंने अभी उसके आज बाला तिरुपति बालाजी का एक स्टेटमेंट आया है। उन्होंने बोला है कि 960 प्रॉपर्टीज उनके देश में हैं। 960 किसकी? तिरुपति बालाजी। ओ, तिरुपति बालाजी मंदिर संस्थान जो है उसकी 960 प्रॉपर्टीज़ हैं। 85,705 करोड़ का उनका प्रॉपर्टी का वैल्यू है और 14 टन गोल्ड उनके पास है। कितना? 14 टन। अरे मालिक, वो तिरुपति बालाजी हैं। तो इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है कि तिरुपति बालाजी ये देश का नंबर एक जो है वो साउथ में है, तमिलनाडु में है। तो नंबर दो का सबसे अमीर ऐसा एक संस्थान है, रिचेस्ट है। तो उसमें कैसा है ना कि मिलिंद नार्वेकर जी को ये सम्मान मिला, इसके दो कारण हैं। एक कारण ये है कि सर, मिलिंद नार्वेकर एक मोस्ट मिसअंडरस्टूड मैन फ्रॉम शिवसेना है। उनके बारे में लोगों के मन में, दिल में बहुत गलत बहमियाँ हैं। और दूसरी एक बात ऐसी भी है कि उनको कोई समझ न पाया। मीडिया ने हमेशा उनको निगेटिवली ही प्रेजेंट किया। दूसरी बात ऐसी हो गई कि जिस चीज़ के लिए वो जिम्मेदार नहीं थे, कभी भी नहीं थे, कभी उन्होंने वो जो किया नहीं, उसके बारे में शिवसेना के नेताओं ने, विशेषतः कार्यकर्ताओं ने ऐसी अफवाहें फैलाई कि उद्धव जी को पब्लिक से, उद्धव जी को शिवसैनिकों से, शिवसेना नेताओं से तोड़ने वाले जर कोई हैं तो हैं मिलिंद नार्वेकर। ऐसी बात हमेशा फैलाते गए। और मिलिंद नार्वेकर का स्वभाव सर ऐसा है, वो बोलता है मेरे बारे में अच्छे बोलेंगे धन्यवाद आपके पास रखो, आप मेरे बारे में बुरे बोलेंगे मुझे मालूम है मैं अच्छा हूँ बुरा हूँ, मैं मेरे लिए हूँ और मैं, मेरे दो भगवान हैं, उसके दो भगवान हैं, एक तिरुपति बालाजी हैं और दूसरे भगवान हैं बाला साहब ठाकरे। वो हमेशा मुझे, बहुत सालों से मैं उसको जानता हूँ, मेरे ख्याल से 25-30 साल हो गए मैं उसको जानता हूँ, वो हमेशा बाला साहब को भगवान की तरह ही मानता था। बाला साहब का भी वो सेक्रेटरी, क्या आप कुछ बोलो, इसने, उद्धव ने तो उसको ऑफिशियली OSD बनाया था, ऑफिशियल ऑन स्पेशल ड्यूटी, और वो सचिव तो था ही पार्टी का, नेता उपनेता ऐसा कुछ है ही, मगर उसके परे बाला साहब के प्रति इतनी समर्पितता दिखाने वाले दो ही लोग हैं, एक मिलिंद नार्वेकर और दूसरा हमारा संजय राउत। ये दोनों ने जो समर्पितता दिखाई उसकी कोई तुलना नहीं हो सकती। और बदनामी के घेरे में दोनों घिरे हुए हैं, ये दोनों का एक कॉमन मैन है। मगर मिलिंद का देखो स्वभाव कैसा है कि मिलिंद नार्वेकर उद्धव जी के प्रति निष्ठा रखते हुए भी उद्धव जी के हित में जो जो करना है, जो भी करना है, वो करने में डगमगाता नहीं है, आगे पीछे देखता नहीं। उसके लिए उद्धव जी भी कभी कभी उसको बोलते हैं कि ये तुम क्या कर रहे हो। अभी ऐसा है कि महाराष्ट्र में शायद ही कोई पॉलिटिकल लीडर होगा किसी भी पार्टी का कि जिसका पर्सनल नाता मिलिंद नार्वेकर से नहीं है। वो BJP वाला होगा, फडणवीस होंगे। सर, अभी उसका श्री गणेश का हाँ, स्थापना उसने की थी, तो उसमें मैं भी गया था, मगर मेरे पहले और बाद में कौन कौन लोग आके गए उसका मैं थोड़ा सा ये किया था, लिस्ट बनाया था कि कौन आके गए। तो मेरे ध्यान में आया कि ऐसा कोई महाराष्ट्र में बचा ही नहीं, एक शरद पवार खुद छोड़ के, और वो किसी भगवान के पास जाते ही नहीं, हाँ, ऐसा कोई बचा नहीं कि जो उनके घर आके गया नहीं। सर, गणेश दर्शन करने के लिए किसी के घर जाना, ये बात पॉलिटिकल हो गई है, अभी वो रिलीजियस नहीं रही है जी। उसके कई मायने होते हैं, उसमें कई मैसेज गृहित दिए जाते हैं, एक सजेशन दी जाती है, मैसेजेस लोगों तक पहुँचते हैं। जब फडणवीस साहब जाते हैं मिलिंद नार्वे के घर, तो लोगों में एक इशारा जाता है कि भाई ही इज़ एक्सेप्टेड एंड रिस्पेक्टेड बाय फडणवीस।
आशीष शेलर जब जाते हैं तो बोलते हैं राजकीय विरोधक के रूप में वो कुछ भी बोले, मगर इनका पर्सनल रिलेशनशिप अबाउ द पॉलिटिक्स है। दूसरा एक ऐसा है कि उसका स्वभाव एक अलग तरह का है, वो बहुत मीठा स्वभाव है। क्या होता है कि नेता, उसके लिए एक हमेशा ना वो दो गाड़ी के डब्बे रहते हैं, उनमें एक बफर रहता है जी। वो गाड़ियों को जब ठैक करके धड़क होती है तो वो बफर सहन कर लेता है सब। तो ये मिलिंद नार्वेकर जो था वो हमेशा बफर की इसमें था, इसके लिए उसको मार भी पड़ती थी उसकी। मगर उसने देखो कभी भी अपने जीवन में अहित नहीं चाहा इनका। मैं उसको हमेशा उपमा देता था कि उद्धव जो है बादशाह है और ये बीरबल है, ऐसा मैं हमेशा बोलता हूँ। तो अभी वो बीरबल की सुनते ही नहीं सुनते हैं, ये उनका सीक्रेट था, उनका सीक्रेट था जी। कब सुनते हैं कब नहीं सुनते हैं। क्या मैं तो कभी कभी बोलता हूँ कि अगर उन्होंने संजय राउत और मिलिंद नार्वेकर को सही तरीके से सुना होता तो आज ये नौबत नहीं आती। एक साल से संजय उनको बोल रहा था कि ये टूट रहे हैं एकनाथ शिंदे, वो बोलते नहीं त्यांच्याबरोबर त्याच्याबरोबर कोण आहे कोण नाही। वो अगर संजय का इशारा मान लेते थे और पैचअप कर लेते थे और संजय को बोल देते थे कि भाई तुम पैचअप करा लो चलो एकनाथ जी से, और एकनाथ जी को बोलते थे कि देखो मेरे 2.5 साल होने के बाद मेरे को राष्ट्रवादी कांग्रेस ने बोला है। क्यों राष्ट्रवादी कांग्रेस ने क्यों बोला था, उनको अजीत दादा को मुख्यमंत्री नहीं करना था जी, और सुप्रिया सुले को कर नहीं सकते थे क्योंकि आमदारों में उसका एक्सेप्टेंस नहीं था। तो उनको शिवसेना को भी फिर एक बार देना था, अगर तुम्हारे उद्धव जी थोड़ा भी ये रखते थे तो वो इनके थ्रू मैसेज देते, मिलिंद के थ्रू भी दे सकते थे, इसके थ्रू दे सकते कि भाई 2.5 साल के बाद मैं रिज़ाइन करता हूँ और तुम मुख्यमंत्री बन जाओ। इन्होंने तो यहाँ तक किया कि 2019 में उप मुख्यमंत्री भी बनने के लिए ना बोला नहीं क्या आप 2014 में फडणवीस ने गोपी स्पोर्ट किया, वो बोले कि हम तो शिंदे साहब को तभी उप मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे, उद्धव ने बोला नहीं नहीं त्याला उप मुख्यमंत्री केला तर त्याची जास्त पॉवर होईल, इसके लिए उन्होंने उनको नीचे की दिखाया नीचे किया। तो इनको उद्धव जी को सीधा मुझे मालूम है ना, मेरे से ज़्यादा किसको मालूम होगा, संजय ने बोला था कि आप अभी बोल दो कि 2.5 साल के बाद राष्ट्रवादी वाले नहीं चाहेंगे मुख्यमंत्री पद क्योंकि उनको सूर्य और इसके बीच में नहीं करना है चॉइस, तो तुमको देता हूँ मैं। सर ये नौबत ही नहीं आती थी, ये नौबत नहीं आती थी। और मिलिंद नार्वेकर का भी सबसे नाता है, वो एकनाथ शिंदे से भी बात करता है, वो जितने विश्वास से एकनाथ जी उससे बात करते हैं। एकनाथ जी ने कई बार मिलिंद को बताया कि तुम ज़रा समझा दो उनको, तुम उनके साथ रहते हो। तो अभी कैसा है कि झोपलेल्याला जागा करता येतं पण झोपेचं सोंग घेतलेल्याला जागा करता येत नाही, वो और दिखाता है कि मैं नींद में हूँ मैं नींद में हूँ, वैसा उनका चल रहा था। तो उनको भी दिख रहा था, उनका सर्वनाश दिख रहा था। और मैं तो हमेशा बोलता हूँ सर्वनाशे समुत्पन्ने अर्ध्यम यजति पंडिता, मतलब सर्वनाश होने का जब समय आता है तो अच्छा पंडित जो रहता है वो अर्ध जो है वो छोड़ देता है। तो अर्धे समय के लिए वो एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री करने का मान लेते थे, तो ये नौबत नहीं आती थी। ये महागड़ी सरकार ही चलती रहती थी, बीजेपी को बाहर ही रहना पड़ता था। एक साल से बीजेपी वाले शिंदे साहब के पीछे पड़े थे कि भाई हमारे पास भी आमदार है ये है वो है। हाँ ये हो सकता था कि भाई फडणवीस ऐसा भी गेम कर सकते थे कि शिंदे साहब ने मुख्यमंत्री पद का स्वीकार किया और राष्ट्रवादी के साथ अगर गए तो उनके 15-20 लोगों को निकाल के उनकी मेजॉरिटी जो इसको धक्का दे सकते थे, मालूम नहीं मुझे क्या कर सकते थे वो। मगर एक बात है, अभी कैसा है ना कि तिरुपति संस्थान का और मिलिंद का संबंध आज से नहीं है। मेरे ख्याल से पिछले 25 साल में कम से कम सर 100-200 बार मिलिंद तिरुपति गया होगा, और उसके घर में भी मैं उसके घर में गया हूँ करके आपको बोलता हूँ कि उसके घर में भी तिरुपति का एक उसके जहाँ पे पूजा प्रार्थना की जाती है वहाँ पे एक अलग स्थान है और पहले से, तो वो भक्त है ही। अभी ऐसा है कि पॉलिटिकली ऐसा बोला जाता है कि भाई उद्धव जी ने उनको फ़ोन किया था, आंध्र प्रदेश में जो मुख्यमंत्री हैं उनको फ़ोन किया था और बोला था कि भाई आप अगर विश्वस्त उनकी पुनर्रचना कर रहे हैं तो वहाँ पे हमारे मिलिंद नार्वेकर जी को ले लीजिए। और उन्होंने बोला था कि भाई हम जानते हैं वो सच्चे भक्त हैं। और वो दूसरी उनकी बात ये सर है कि तिरुपति संस्थान के मन में कब से
कब से ये था बात कि वो अभी प्रति तिरुपति बालाजी हर जगह खोलने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे हमारा स्वामीनारायण मंदिर है, वो एक ही जगह नहीं है, दुनिया भर में है, मालूम नहीं 100 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, दिल्ली में भी है, इधर भी है। तो तिरुपति बालाजी मंदिर के जो भक्त हैं वो दुनिया भर में फैले हुए, तो वो फॉरेन में भी कुछ प्लान कर रहे हैं। तो मुंबई जो है, मुंबई में दाक्षिणात्य लोग बहुत हैं, और तिरुपति बालाजी दाक्षिणात्य लोगों का है ही नहीं, वो सब पूरे दुनिया भर के लोगों का है, नॉर्थ से भी कितने लोग जाते हैं। तो वो मुंबई में कुछ करना चाहते थे। अब मिलिंद नार्वेकर ने उनको उद्धव जी से बात करके जगह दे दी, नवी मुंबई में जो जगह मिली है उनको, वो 18 एकड़ या कुछ है, उसमें अच्छी तरह से वो मंदिर बनेगा, उसका पूरा ये भी बनेगा, कॉम्प्लेक्स जो है मंदिर का वो भी बनेगा। तो मिलिंद की वजह से वो जगह बालाजी संस्थान को मिली है। दूसरी बात ये है कि फडणवीस जी का भी एक अतुल काले करके हैं, वो भी है उसमें, वो भी है, मेरी मालूम है कि वो भी ट्रस्टी हैं। तो ऐसा है कि मिलिंद अभी ना वो विश्वस्त की भूमिका बड़े निष्ठा से और भक्ति से निभा रहा है। मेरी भी हाल ही में उससे मुलाकात हुई, तब उसने बोला कि मेरे जीवन में दो भगवान हैं, एक बाला साहब और दूसरे तिरुपति बालाजी। तो अभी बोलने के लिए मैंने जब ये बोला कि भाई इतने करोड़ की संपत्ति है, इतने करोड़ का सोना है, इतने करोड़ का ये है, तो लोगों को लगा क्या मैं मिलिंद नार्वे की पर्सनल प्रॉपर्टी के बारे में बोल रहा हूँ। नहीं सर, ये जो प्रॉपर्टी है ना सर, इसका विश्वस्त होना भी बड़ा सम्मान है जी। और वो सम्मान उसको मिला है, और अभी मुंबई में ये नई मुंबई में ये बहुत अच्छी तरह से उभर के आएगा, और उसका श्रेय मिलिंद को हमको देना ही पड़ेगा। तो मिलिंद जी, आपका तहे दिल से बिल्कुल अभिनंदन, और मुझे बिल्कुल विश्वास है कि नई मुंबई में तिरुपति बालाजी का जो मंदिर है वो उसी ढंग से और उसी रंग में रंग के आएगा, और लोग आपको भी मंदिर के साथ साथ याद रखेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद सत्य जी। तो हम चर्चा कर रहे थे तिरुपति बालाजी के मंदिर के बारे में। जी हाँ, नई मुंबई में जो है तिरुपति बालाजी का मंदिर बनने जा रहा है, और इसका पूरा श्रेय जो है मिलिंद नार्वेकर जी के पक्ष में जा रहा है। तो हम वो भी एक पिलर है उसका। हम उम्मीद करेंगे जल्दी जल्दी मंदिर का निर्माण हो जाए, जल्दी जल्दी बालाजी यहाँ पर आ जाए मुंबई के लोगों को, और उनको दर्शन करने का मौका मिले। धन्यवाद। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।